हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्क टीच। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोपा के बारे में, जो कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है जो कि यूट्यूब ने एक महीने पहले से जो है अप्लाई कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो अपनी स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई और पर्सनलाइज एड्स भी जो हैं डिसेबल हो गए और काफ़ी सारा उनको नुकसान हो रहा है। और अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, स्मॉल यूट्यूबर भी हैं या बिग यूट्यूबर भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक के देखते रहिए और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कोपा क्या है, कोपा की सेटिंग किस तरह से करनी है और कोपा के बारे में तमाम डिटेल्स कि कोपा के लिए आपको कितने उम्र के लोगों को जो है सेलेक्ट करना है, ये सारे जो सवाल हैं वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो कोपा है क्या मैं आपको पहले बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक क्या आपने मेरे चैनल पार्क टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कोपा के माने हैं चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि यूट्यूब ने एक महीने पहले से अप्लाई कर दी है, जिस पे काफ़ी सारे लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स का ध्यान इसकी तरफ नहीं था। तो यूट्यूब ने जो है अभी इसको, जिन लोगों ने इनकी सेटिंग्स को जो है अप्लाई नहीं किया अपनी चैनल पे, जैसे अगर आपने ये सेटिंग अप्लाई नहीं की अपने चैनल पे, तो इस आपका चैनल को जो है काफ़ी सारे नुकसान हो रहे होंगे, आपके कमेंट ऑफ हो रहे होंगे, आपके सब्सक्राइब बटन के जो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन होती है वो हाइड कर दी जा रही है। तो ये सब मसले हो रहे हैं। तो ये है क्या चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसके बारे में जो है यूट्यूब को काफ़ी सारे यूट्यूब ने जो है काफ़ी सख्त कानून कर दिया। यूट्यूब के कहना है कि हमने काफ़ी सख्त कानून कर दिया और यूट्यूब को हाल ही में अपनी गवर्नमेंट को जो है 1.7 मिलियन यानी कि 1.7 मिलियन की जो है फ़ाइन पे करनी पड़ी है। उसके बाद यूट्यूब ने ये पॉलिसी जो है अप्लाई की है अपने तमाम क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के लिए कि आप यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, वो किड्स के लिए यानी बच्चों के लिए या फिर बच्चों के लिए नहीं है। तो सिंपली इतनी सी सेटिंग है, काफ़ी सारी क्रिएटर्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे जिनके चैनल को काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। तो अगर अभी तक क्या आपने ये सेटिंग नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग के ऑप्शन में, सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है, बहुत ही आसान सा मेथड है। वीडियो को एंड तक के देखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद जो है आप देख सकते हैं चैनल आ रहा है, आपको चैनल का ऑप्शन आ रहा है। चैनल के ऑप्शन में आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। और अगर आप बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, यानी आपके चैनल पर जो वीडियोज़ देखने वाले हैं 13 साल से कम उम्र वाले हैं या फिर 13 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं, अगर 13 साल से थोड़ी सी भी कम उम्र वाले लोग आपको देख रहे हैं तो आपको सेट दिस चैनल एज़ नॉट मेड फॉर किड्स पे करना होगा। और अगर थोड़े से भी और अगर ज़्यादातर आपकी जो है यूट्यूब की वीडियोस बच्चे देखते हैं, यानी कि कार्टून्स वगैरह हैं या फिर दूसरी स्टोरीज़ वगैरह हैं, तो आपको यह सेट दिस चैनल एज़ मेड फॉर किड्स पे करना है, वरना फिर आपको जो है सेट दिस चैनल एज़ नॉट मेड फॉर किड्स पे करके सिंपली सेव कर देना है। तो इतनी सेटिंग है, अगर अभी तक क्या आपने नहीं की थी तो जल्दी से कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।